बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत के व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का पाठ 6 विशेषण। विशेषण के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, हिंदी में भी उन्होंने पढ़ा है कि लाल गुलाब, यहाँ पर लाल विशेषण है, गुलाब विशेष है, काला कुत्ता और गोल मेज, ये सभी जो है उदाहरण है हिंदी के। संस्कृत में भी विशेषण का प्रयोग किया जाता है और वह कैसे किया जाता है और उसमें विशेषण किसे कहते हैं, उसके उदाहरण क्या हैं और उसके नियम क्या हैं, ये सभी आज हम लोग जानेंगे। तो सभी बच्चे अपने व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर 37 निकाल लेंगे और उसमें पाठ 6 विशेषण दिया हुआ है। तो सभी यहाँ पर देखेंगे, पढ़ो लिखा है यहाँ पर शुरू में और दो चित्र बने हुए हैं। तो दो चित्र बने हुए हैं तो इसमें जो है एक वाक्य लिखा है चित्र के नीचे, सुधा मधुरम गीतम गायति। सुधा मधुरम मधुरम गीतम गायति और दूसरा चित्र लिखा है वने विशालाः वृक्षाः सन्ति। वन में विशाल पेड़ हैं। सुधा मधुरम गीतम गायति वने विशालाः वृक्षाः सन्ति। तो इस वाक्य के माध्यम से मधुरम गीतम, सुधा मधुर गीत गा रही है, तो यहाँ पर वह कैसा गीत गा रही है, मधुरम मीठा मधुर गीत गा रही है। तो मधुरम पद जो है वो मधुरम शब्द गीतम की विशेषता बता रहा है कि कैसा गीत है। और वने विशालाः वृक्षाः सन्ति, जंगल में विशाल पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं, तो यहाँ पर जो है विशालाः जो है वृक्षाः की विशेषता बता रहा है। विशालाः पद जो है वो वृक्षाः की विशेषता बता रही है, बता रहा है कि पेड़ बड़े हैं। तो वो आकार में कैसे हैं, बड़े हैं। तो वने वन में बड़े विशाल वृक्षाः सन्ति, विशाल वृक्ष हैं। और सुधा मधुरम गीतम गायति, तो मधुरम गीतम, गीतम की विशेषता है कि वो मधुर है। तो मधुरम शब्द गीतम की विशेषता बता रहा है यहाँ पर और विशालाः जो है वो वृक्षों का आकार बता रहा है। तो इस प्रकार जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे शीतल सुंदर विशाल,
शीतल, सुंदर और विशाल आदि बहुत सारे हैं विशेषण। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया जा रहा है। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे शीतल, सुंदर, विशाल आदि। विशेष, किसी विशेषण को समझने के लिए विशेष्य को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो विशेष किसी विशेषणवाचक शब्द द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष्य कहते हैं। किसी विशेषणवाचक शब्द द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेषण कहते हैं, जैसे ऊपरी उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी जो विशेषता जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे कि शीतल वायु, सुंदरम गृहम, विशालः वृक्षः, तो यहाँ पे जिसकी विशेषता वृक्ष की विशेषता बताई जा रही है, घर की विशेषता बताई जा रही है, तो वो जो है विशेष्य होता है। तो किसी विशेषणवाचक शब्द द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे ऊपरी लिखित वाक्यों में मधुरम विशेषण है, जो यहाँ पे भी वाक्य लिखा गया था, यहाँ भी लिखा हुआ है कि ऊपरी लिखित वाक्यों में मधुरम विशेषण है। सुधा मधुरम गीतम गायति, इसमें मधुरम जो है वो विशेषण है और गीतम विशेष्य है। वने विशालाः वृक्षाः सन्ति, इसमें विशालाः विशेषण है और वृक्षाः जो है वो विशेष्य है। तो इस तरह से विशेषणवाचक शब्द विशेष्य के रंग रूप आकार गुण दोष अवस्था आदि के बोधक होते हैं। इन शब्दों के लिंग विभक्ति व वचन विशेष्य के अनुसार होते हैं। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि विशेषण शब्द किसके अनुसार लगाए जाते हैं। इसमें जो विभक्ति होती है, जो लिंग होता है, जो वचन होता है, वो किसके अनुसार होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग कि लिंग विभक्ति व वचन विशेष्य के अनुसार होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला दिया है लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग, तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग समझेंगे लिंग के अनुसार किस तरह से विशेषण का प्रयोग होता है और इसके लिए कुछ उदाहरण भी समझा जाएगा। अब यहाँ पे लिंग के अनुसार विशेषण पहला है, लिंग के अनुसार विशेषण। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लिंग के अनुसार जो विशेषण पद है उसका प्रयोग एक वचन प्रथमा विभक्ति में किस तरह से होता है यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें विशेषण दिया है, सबसे पहले पूरी तालिका बनी हुई है, यहाँ पे विशेषण दिया है, फिर पुल्लिंग दिया है, फिर स्त्रीलिंग दिया है, फिर नपुंसक लिंग दिया है। तो यहाँ पर पहला शब्द जो दिया है विशेषण के लिए वह है शीतल, और शीतल का प्रयोग जो है तीनों ही लिंगों में किस तरह से होगा इसे बताया जाएगा। तो शीतल पुल्लिंग में पवनः के साथ शीतल को प्रयोग किया गया है, शीतलः पवनः। तो यहाँ पे शीतलः पवनः और पुल्लिंग में हो गया शीतलः, और स्त्रीलिंग में छाया के साथ, छाया शब्द स्त्रीलिंग है, तो छाया के साथ इसका प्रयोग है शीतला छाया। तो शीतलः पुल्लिंग में हो गया, क्योंकि पवनः प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो शीतलः भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग हुआ है, शीतलः पवनः। स्त्रीलिंग में है शीतला छाया, नपुंसक लिंग में है शीतलम जलम। तो शीतल शब्द जो है वो पुल्लिंग में शीतलः, स्त्रीलिंग में शीतला और नपुंसक लिंग में शीतलम हो गया है, शीतलम जलम, ठंडा जल।
और उत्तम शब्द का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है, उत्तम मतलब होता है अच्छा, तो ये विशेषण यहाँ पे प्रयोग करके बताया गया है, उत्तमः बालकः, पुल्लिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तमः बालकः, उत्तमः बालकः, उत्तमा, यहाँ पे उत्तमा हो गया है तो उत्तमा कथा, कथा स्त्रीलिंग है, और उत्तमम गीतम। अब यहाँ पे तीनों ही लिंग का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, और ये जो है ये नपुंसक लिंग है। तो इस तरह से इन तीनों ही लिंगों में उत्तमः बालकः ये पुल्लिंग का हो गया, इसमें उत्तम शब्द से उत्तमः बना है, उत्तमा कथा इसमें स्त्रीलिंग में उत्तम शब्द से उत्तमा हो गया है, और उत्तमम गीतम ये नपुंसक लिंग में प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो अगर शीतल है तो शीतला पुल्लिंग में, शीतला स्त्रीलिंग में, और शीतलम नपुंसकलिंग में। उत्तम है तो उत्तमः पुल्लिंग में, उत्तमा स्त्रीलिंग में, उत्तमम नपुंसकलिंग में। तो ये हो गया लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग करना। अब है यहाँ पे वचन के अनुसार विशेषण का प्रयोग, वचन के अनुसार विशेषण। अभी लिंग था, अब हो गया वचन के अनुसार विशेषण। वचन के अनुसार विशेषण, अब इसमें भी यहाँ पे पूरी तालिका बनी हुई है, जिसमें कि पुल्लिंग लिखा है, स्त्रीलिंग लिखा है, और नपुंसक लिंग लिखा है, और ऊपर विशेषण पद दिया हुआ है, और एकवचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा हुआ है। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन वचन होते हैं संस्कृत में, तो ये तीन वचन यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पुल्लिंग में जो विशेषण पद दिया है उसमें दिया है चतुर, चतुर का अर्थ होता है चालाक, तो इसे एक वचन में हम लोग लिखेंगे चतुरः छात्रः, चतुरः छात्रः, और एक वचन में चतुरः, द्विवचन में जो है वो हो जाएगा चतुरौ, और बहुवचन में चतुराः। तो यहाँ पर चतुरः, चतुरौ, चतुराः, और इसमें शब्द है चतुर, चतुर का अर्थ होता है चालाक, तो इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग है। इसके साथ विशेषण शब्द जोड़ेंगे चतुरः छात्रः, चतुरौ छात्रौ, चतुराः छात्राः। तो इस तरह से यहाँ पर छात्रः छात्रौ छात्राः और चतुरः चतुरौ चतुराः, क्योंकि जिस वचन का विशेष्य होगा उसी वचन का विशेषण भी होगा, तो विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का वचन, लिंग और विभक्ति होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग विशेषण पद का प्रयोग करें तो उसमें लिंग, वचन और विभक्ति, ये तीनों ही चीज़ का ध्यान रखना होता है, उसी के अनुसार हमें विशेष्य का, विशेषण का प्रयोग विशेष्य के साथ करना चाहिए। अब इसे समझने के लिए यहाँ पर स्त्रीलिंग का अब उदाहरण हम लोग देखते हैं कि कैसे स्त्रीलिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में यहाँ पर विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो स्त्रीलिंग में जो हम लोग देखेंगे सबसे पहले उसमें है शोभन, यहाँ पर शोभन का प्रयोग किया गया है, और शोभन जो है वो स्त्रीलिंग में शोभना वाटिका, शोभन का अर्थ होता है सुंदर, तो शोभना वाटिका सुंदर बगीचा, शोभने वाटिके, वाटिका
वाटिके, वाटिकाह। ये बहुवचन तक जो है वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ऐसा रूप बनता है। और शोभन विशेषण का प्रयोग करेंगे तो शोभना वाटिका, शोभने वाटिके। तो यहाँ पर शोभन शब्द से स्त्रीलिंग में शोभन पद है और इसमें शोभना ये विशेषण है, शोभना, शोभने, शोभना। शोभना, शोभने, शोभना। तो इस तरह से यहाँ पर स्त्रीलिंग में एक वचन में शोभना का प्रयोग हुआ है, द्विवचन में शोभने का प्रयोग हुआ है, बहुवचन में शोभना का प्रयोग हुआ है। तो शोभना वाटिका एक वचन हो गया, शोभने वाटिके द्विवचन हो गया, शोभनाह वाटिकाह। तो यहाँ पर शोभना वाटिकाह यहाँ पर बन गया है बहुवचन में। तो इस तरह से यहाँ पे शोभनाह बहुवचन में बन जाएगा, शोभनाह। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया वचन के अनुसार विशेषण, कि किस तरह से वचन के अनुसार विशेषण का प्रयोग किया जाता है। अब नपुंसक लिंग शब्द को समझते हैं। तो ये था, ये हम लोग का था यहाँ पर पुल्लिंग का, ये स्त्रीलिंग का था, और अब हम लोग करेंगे नपुंसक लिंग का। तो नपुंसक लिंग के लिए यहाँ पर मधुर पद दिया गया है, मधुर, मधुर शब्द है। और इसमें जो है मधुरम, मधुरे, मधुराह, तो ये रूप बनेगा, क्योंकि इसके साथ जो विशेष्य लगाएंगे, जैसे कि मधुरम फलम, तो फल शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग में जो है फलम एक वचन में होता है, फले द्विवचन में होता है, फलानी बहुवचन में होता है, फलम, फले, फलानी। तो इसमें जो है एक वचन में फलम के साथ मधुरम, दोनों का उच्चारण भी जो है अंतिम उच्चारण एक जैसा ही आता है, फलम, यहाँ पे मधुरम फलम, मधुरम फलम, मधुरे फले, फले में भी ए है और यहाँ पे मधुरे में भी ए है, क्योंकि जिस जो है वचन का विशेष्य होगा उसी वचन का विशेषण भी होगा। तो मधुरे फले, फलम फले फलानी होता है, मधुरा यहाँ पे मधुराणी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मधुराणी फलानी, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है ना, तो मधुराणी मधुराणी फलानी। तो इसमें जो है मधुरम फलम, मधुरे फले, मधुराणी फलानी। तो इस तरह से यहाँ पर नपुंसक लिंग शब्द में कैसे विशेषण का प्रयोग किया जाता है वचन के अनुसार। तो हम लोगों ने तीनों ही इसमें देखा, पुल्लिंग में चतुरह, चतुरह बालकह हो सकता है, चतुरौ बालकौ हो सकता है, चतुराह बालकाह। और इसी तरह से इसकी जगह काकह भी कर सकते हैं, चतुरह काकह, चतुरौ काकौ, चतुराह काकाह। अब स्त्रीलिंग में शोभन शब्द से है, तो शोभना बालिका, शोभने बालिके, शोभनाह बालिकाह। नपुंसक लिंग में मधुर पद है, मधुरम फलम, मधुरे फले, मधुराणी फलानी। अब हम लोग यहाँ पे तीसरा देखेंगे, विभक्ति के अनुसार विशेषण का प्रयोग। तो अब हम लोग किस तरह से विभक्ति का ध्यान रखते हुए
विशेष्य में जो विभक्ति होती है उसी के अनुसार विशेषण का प्रयोग होता है। तो तीसरा हम लोग यहाँ पे देख जाने जानेंगे विभक्ति के अनुसार विशेषण। और हम लोग विशेषण का ही प्रयोग सीख रहे हैं, तो यहाँ पर विभक्ति के अनुसार किस तरह से विशेषण शब्द का प्रयोग होगा ये हम लोग आज जानेंगे। तो विभक्ति जो है वो सभी बच्चे जानते हैं कि विभक्ति जो है वो सात जो कारक होते हैं वही सात विभक्तियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो सात कारक कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन। तो ये जो है संबोधन को अगर छोड़ दिया जाए तो ये बाकी जो है इसको विशेष में अगर जो भी विभक्ति होती है वही विभक्ति विशेषण में भी होती है। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं क्या उदाहरण दिया हुआ है। तो पेज नंबर 38 पर यहाँ पे ये उदाहरण दिया हुआ है कि एषा शोभना वाटिका अस्ति, एषा शोभना वाटिका अस्ति। यहाँ पर हम लोग लिख के इसे समझेंगे, एषा शोभना वाटिका अस्ति। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एषा का अर्थ है यह, स्त्रीलिंग में यह के लिए एषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है एषा शोभना वाटिका अस्ति, यहाँ पे यह सुंदर बगीचा है, यह सुंदर बगीचा है। तो एषा शोभना वाटिका अस्ति, तो यहाँ पे शोभना वाटिका में शोभना पद जो है वो बगीचे की सुंदरता को बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वह शोभना है। तो यहाँ पे वाटिका स्त्रीलिंग का पद है और वाटिका प्रथमा विभक्ति एकवचन है। तो यहाँ पे वाटिका प्रथमा विभक्ति एकवचन है, इसीलिए जो है ये वाटिका, यहाँ पे वाटिका जो है प्रथमा विभक्ति एकवचन का है। इसमें प्रथमा विभक्ति एकवचन है, विभक्ति हम पूरा नहीं लिखे हैं, प्रथमा विभक्ति एकवचन है। तो जब विशेषण में प्रथमा विभक्ति एकवचन है तो विशेष्य में भी प्रथमा विभक्ति एकवचन होना चाहिए। तो यही जो है वो यहाँ पर भी प्रयोग होगा। तो वाटिका और शोभना जो है, शोभना वाटिका सुंदर बगीचा, तो इस तरह से यहाँ पर वाटिका में जो विभक्ति है वही विभक्ति शोभना में भी प्रयोग की गई है। तो इसी तरह से और भी बहुत से उदाहरण हैं जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, और इसके माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि विभक्ति के अनुसार किस तरह से विशेषण का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जो दूसरा वाक्य दिया गया है, पुस्तके सुंदराणि चित्राणि संति, पुस्तके पुस्तक में, पुस्तके में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, पुस्तक में सुंदराणि चित्राणि। यहाँ पर सुंदराणि चित्राणि का अर्थ है सुंदर चित्र, सुंदराणि चित्राणि, यहाँ पर सुंदराणि चित्राणि। तो सुंदराणि चित्राणि, चित्राणि शब्द जो है वो प्रथमा विभक्ति, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है और चित्राणि है, तो प्रथमा विभक्ति का ये बहुवचन है। तो इसमें भी जो है वो इसी का ही प्रयोग होगा। तो चित्राणि जो है वो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, तो यहाँ पर सुंदराणि में भी
प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा, और जैसा कि यहाँ पर हुआ भी है, उत्सुंदराणि चित्राणि, सुंदर चित्र। तो यहाँ पर नपुंसक लिंग शब्द है चित्रम, और चित्रम का प्रयोग हुआ है, सुंदराणि चित्राणि, और बहुवचन का प्रयोग हुआ है इसमें। तो इसीलिए जो उसका विशेष विशेषण है सुंदर, सुंदर चित्र, यहाँ पे विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो है वो सुंदराणि चित्राणि शब्द बना है। तो पुस्तके सुंदराणि चित्राणि संति, पुस्तक में सुंदर चित्र हैं। और अब हम लोग यहाँ पे तीसरा उदाहरण देखते हैं, क्योंकि उदाहरण से ही जो है वो अच्छी तरह से समझ में आता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है उद्याने, उद्याने मतलब बगीचे में, उद्याने में बगीचे में शीतलह पवनह, यहाँ पर प्रयोग किया गया है ये हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पे शीतलह पवन, शीतलह पवन ये जो है ये विशेष है और ये विशेषण है, ठंडी हवा। शीतलह पवन का अर्थ होता है ठंडी हवा। तो यहाँ पर उद्याने बगीचे में शीतलह पवन वहती, ठंडी हवा वहती मतलब बह रही है। तो शीतलह पवन, पवन जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसीलिए यहाँ पे शीतलह, शीतलह में भी जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो पुल्लिंग में यहाँ पर शीतलह पवन ये विशेषण है शीतलह, और पवन जो है वो विशेष है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, ये विशेष है और ये विशेषण है। तो इस तरह से यहाँ पे विशेषण और विशेष का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हिमालयात पवित्राह नद्याह निस्सरन्ति, हिमालयात हिमालय से पवित्राह पवित्र, नद्याह नदी नदियाँ, निस्सरन्ति निकलती हैं। तो यहाँ पे पवित्राह जो है वो विशेषण है पवित्र, और नद्याह जो है वो बहुवचन है नदी का, और वो विशेष है। तो पवित्राह नद्याह निस्सरन्ति, पवित्र नदी निस्सरन्ति मतलब निकलती है। तो यहाँ पे पवित्राह नद्याह, पवित्राह नद्याह ये जो है ये विशेष है, और इसमें बहुवचन है और ये विशेषण है। तो विशेषण और विशेष का यहाँ पर प्रयोग, नद्याह विशेष के लिए पवित्राह विशेषण का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर नद्याह में बहुवचन है, और इसीलिए पवित्राह में भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है, और विभक्ति भी एक ही है। तो यहाँ पे पवित्राह नद्याह निस्सरन्ति। अब है अगला वाक्य, वृक्षे चपलह वानरह कुर्दति, वृक्षे, वृक्षे मतलब पेड़ पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, वृक्षे, वृक्षे चपला, यहाँ पे चपलह वानरह, चपलह वानरह, वानरह जो है वो प्रथमा विभक्ति है एक वचन है, और चपला में भी प्रथमा एक वचन। तो इस तरह से यहाँ पे चपलह वानरह में जो है
वो वानरह के अनुसार, क्योंकि ये विशेष्य है, वानरह ये विशेष्य है और विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का जो है विभक्ति वचन या लिंग निर्धारित होता है। तो यहाँ पे वानरह प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसीलिए चपलह में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, चपलह वानरह प्रथमा एक वचन। और अब जो है हम लोग यहाँ पर अगला वाक्य देखते हैं, बालिका श्वेतम वस्त्रम धारयति। श्वेतम वस्त्रम, यहाँ पर एक विशेषण और विशेष आया है, श्वेतम विशेषण है और वस्त्रम विशेष है। श्वेतम वस्त्रम, श्वेतम वस्त्रम, तो वस्त्रम जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, नपुंसक लिंग का है, वस्त्रम जो है वो नपुंसक लिंग होता है। तो बालिका श्वेतम वस्त्रम धारयति, बालिका सफ़ेद कपड़े धारयति मतलब पहनती है, धारण करती है। तो श्वेतम वस्त्रम ये नपुंसक लिंग का है और वस्त्रम जो है वो प्रथमा द्वितीय दोनों में ही ये आता है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। तो इस तरह से नपुंसक लिंग में ये रूप चलता है और इसीलिए श्वेतम में भी इसी का प्रयोग है। तो यहाँ पर श्वेतम वस्त्रम सफ़ेद वस्त्र, बालिका श्वेतम वस्त्रम धारयति। तो बालिका जो है वो यहाँ पे संज्ञा है और वो बताया जा रहा है कि वह जो है श्वेत वस्त्रम सफ़ेद कपड़े धारण कर रही है। अब है सरोवरे रक्ते कमले विकसता, और इसी तरह से रक्ते कमले लाल कमल खिल रहे हैं सरोवर में। तो रक्ते कमले, यहाँ दोनों में द्विवचन का द्वितीय विभक्ति, यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हुआ है। और सह मनोहरम चित्रम पश्यति, वह मनोहर चित्र पश्यति मतलब देखती है। तो यहाँ पे मनोहर चित्रम जो है वो चित्रम विशेष्य है और मनोहरम विशेषण है। तो चित्रम प्रथमा विभक्ति है एक वचन और मनोहरम भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और विभक्ति के अनुसार विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो उसे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, धन्यवाद।